अभी तक राम के ऊपर तो बहुत सी फिल्में बनाई गई हैं, लेकिन अब एक फिल्म आ रही है जिसमें राम भक्त हनुमान के भी भक्त की कहानी हमें देखने को मिलने वाली है। फिल्म का नाम है हनुमान, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और ये फिल्म रिलीज होने वाली है 12 जनवरी को। फिल्म में स्टोरी कोई हनुमान की तो नहीं होगी, लेकिन उनके एक सच्चे भक्त की है जो हनुमान की तपस्या करता है। उसके अंदर अननेचुरल सुपर पावर्स है, मतलब ये कहानी एक सुपर हीरो की है जिसके अंदर सुपर पावर्स है हनुमान की दी हुई। जब आप इस मूवी के ट्रेलर को देखते हो तो आपको कभी कभी ऐसा फील होगा जैसे एक साथ दो ट्रेलर को जोड़कर मर्ज कर दिया गया हो, क्योंकि जब हम फिल्म के एक्टर हनुमंतू को देखते हैं तो उनकी कहानी एक गांव के लड़के की है जो अपने गांव का सुपर हीरो है। वहीं इसके अपोजिट में एक विलन है जो अपनी ही दूसरी दुनिया में लोगों को मार रहा है, जिसके पास नेचुरल पावर्स तो नहीं है लेकिन उसके पास एक सूट है जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। लेकिन वह चाहता है जो नेचुरल पावर्स हनुमंतू के पास है वो उसके अंदर आ जाए ताकि वो सूट को ना पहने, जिसके लिए वह उस बंदे के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा, जिसके ऊपर शायद ये पूरी स्टोरी चलने वाली है। देखो स्टोरी कैसी भी हो, एट दी एंड एक्टर्स की एक्टिंग ही कहानी में जान डालती है, लेकिन अभी तक इसके ट्रेलर को देखने के बाद एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव तो नहीं लगी, लेकिन VFX और CGI तो हमें थोड़े थोड़े दिखे ही है, जिन्हें देखकर ये भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें देखने को मिल गया। जैसे ये वाला सीन जिसमें हनुमान अपनी आंखें खोल रहे हैं, इस सीन को देख के मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। उसका एक रीजन ये भी है कि एटलीस्ट इस सीन को थोड़ा और बारीकी से CGI किया जाना चाहिए था ताकि और रियल लगे, या फिर किसी रियल पर्सन से भी सीन को करवा सकते थे। बाकी ये लेपर्ड वाला सीन जिसके साथ हनुमंतू रेस लगा रहा है, इसका VFX तो और ज्यादा गंदा है। इतना ही समझ आया, बाकी फिल्म की स्टोरी अच्छी होगी तो हो सकता है लोग इसके VFX को इग्नोर भी कर दें। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।